चैनल। तो गाइस अभी मैं आया हुआ था यार रेलवे स्टेशन पाटलिपुत्रा के पास, और मुझे कुछ ना भाई यहाँ पर कुछ दिखा, आपको दिखा रहा हूँ भाई। ये ट्रेन देख सकते हो यार, पूरी ट्रेन है ना, जो पूरी ट्रेन जल रखी है। तो अभी अंदर जाके भी कोशिश करेंगे दिखाने का, तो फिलहाल थोड़ा सा बाहर से दिखाते हैं। ये वही ट्रेन है जो अग्निवीर के टाइम इसे जला दिया गया था, और देख सकते हो पूरा बुरी तरह से भाई ये ट्रेन जल चुकी है। देख सकते हो यार, ये पता नहीं, मुझे तो लग रहा है शायद विक्रमशिला ट्रेन है यार, मगर बोर्ड जल चुका है यार इसका, इसका जो नाम है ना वो भी मिट चुका है, काफ़ी बुरी तरह से भाई जल चुका है। और देख सकते हो अंदर का पूरा रॉड वॉड भी टूट चुका है। तो अभी पूरी ट्रेन अभी दिखाने वाले हैं बाइक पर बैठ के यार, और यहाँ कुछ दूर से यहाँ से पूरी ट्रेन जला चुकी है, मतलब पूरी ट्रेन जल चुकी है देख सकते हो। और काफ़ी लंबी ट्रेन है, इसमें एक भी ऐसा बोगी नहीं है भाई, जो एक भी ऐसा कोच नहीं है भाई जो कि इसमें नहीं जला हो। देख सकते हो कितनी लंबी ट्रेन है, और पूरी की पूरी ट्रेन जली हुई है भाई, और सारा मतलब इतनी बुरी तरह से जला दिया गया है ना भाई कि इसमें कुछ भी एक बोर्ड पर भी नहीं इसके नाम लिखा हुआ कौन सा ट्रेन था। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये विक्रमशिला ट्रेन था जो बिहार में जलाया गया था, वही ये ट्रेन है। और देख सकते हो भाई, मतलब इसका ये बोगी तो ऐसा जल चुका है कि भाई इसमें कुछ मतलब पेंट वेंट भी इसका नहीं बचा, ये वाला का थोड़ा सा बाहर से पेंट बचा हुआ है। कंटिन्यू चलते चलो, और अभी देख सकते हो भाई, तो ये है पेंट्री कार, मतलब पेंट्री कार का तो हाल देख सकते हो भाई क्या है। और यहाँ से आ जाता है एसी कोच, तो एसी कोच का भाई पता नहीं, वीडियो होना थोड़ा सा, तो एसी कोच का पता नहीं है। बर्थ देख सकते हो यार, बर्थ के अंदर का रॉड तक जल चुका है। तो अभी थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, तो थोड़ा सा अभी अंदर चलते हैं और अंदर से कैसा व्यू है ना, थोड़ा सा आप लोगों को अंदर से इस ट्रेन का व्यू दिखाएंगे। तो गाइस ये है एसी कोच, और एसी कोच के बर्थ का आप देख सकते हो यार रॉड तक नहीं बचा। तो फिलहाल घुसते हैं अंदर यार, देखते हैं अंदर का थोड़ा सा व्यू। गाइस अंदर तो जाने के हालात में नहीं है, देख सकते हो यार यहाँ पर कितना सारा कचरा फैला हुआ है ना, मगर बुरी तरह से जला चल चुकी है ट्रेन। ये एसी कोच है यार, कहाँ से अंदर जाने का भाई कोई। तो भाई आप देख सकते हो यार अंदर कितनी बुरी तरह से भाई इसे जला दिया गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा यार। एसी कोच है और बर्थ तो देख सकते हो पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग ट्रेन के अंदर एक खड़े, मतलब इतनी बुरी तरह से ये ट्रेन जल चुकी है। आप देख सकते हो कोच का क्या हालात है, और इधर भी देख सकते हो यार, इधर का भी कुछ नज़ारा ऐसा है, मतलब इतना खतरनाक, इतना भयंकर, डरावना नज़ारा अंदर से देखने के लिए मिल रहा है ना भाई। मतलब मैं फर्स्ट टाइम भाई ऐसा कुछ देख रहा हूँ कि मतलब इतना डरावना लग रहा है देखने में। तो थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है इसलिए व्यू आपको उतना बढ़िया सा नहीं मिल पा रहा होगा, पता नहीं ये सब क्या इसमें से निकला देख सकते हो। तो ये रहा भाई एसी कोच, और इसका ये यहाँ पे शायद एसी कंट्रोल रहता है, ये देख सकते हो पूरा कंट्रोल, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ से शायद एसी कंट्रोल होता है, और ये इसका वॉशरूम वगैरह है। अभी चलते हैं भाई बाहर, फिर बाहर से आप लोगों को और थोड़ा आगे का व्यू देते हैं कि आगे में कैसा है। और इधर तो भाई चलने के हालात में तो नहीं है, यहाँ पे चल नहीं सकते, देख सकते हो कि नीचे का हालात कैसा है यार। ये रहा पूरा ट्रेन देख सकते हो, पूरी ट्रेन जल चुकी है, और हामिद का हाथ भी देख सकते हो यार, पूरा हामिद का हाथ ना जो काला हो चुका, मतलब ट्रेन बुरी तरह से जल चुकी है इस वाले कोच में। और इसके बगल में जस्ट पेंट्री कार का कोच है, तो अभी फिलहाल चल रहे यार पेंट्री कार के कोच में। तो ये है भाई पेंट्री कार का कोच, तो अभी थोड़ा सा अंदर जाने का भाई कोशिश करते हैं, और अंदर से आपको व्यू दिखाते हैं कि भाई इधर का क्या। देख सकते हो यहाँ पे कुछ सिलेंडर्स भी रखे हुए हैं, और पता नहीं ये किस चीज़ के यूज़ में आता है। उधर पूरा पेंट्री कार का कैंटीन एरिया है, तो गाइस देख सकते हो ये पूरा पेंट्री कार का एरिया है, और ये पूरा कैंटीन का एरिया है जहाँ पे खाना बनाया जाता होगा। तो ये कुछ सिलेंडर्स यहाँ पे रखा हुआ है, अब पता नहीं ये सिलेंडर्स किस चीज़ के यूज़ में आता होगा भाई। तो ये भी बुरी तरह से भाई जल चुका है, तो अब निकलते हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि अंदर में थोड़ा सा गर्मी गर्मी ज़्यादा फील हो रहा भाई। और देख सकते हो कुछ भी नहीं बचा, बस ये लोहा आपको बच चुका, मैं आपको आवाज़ सुना रहा हूँ। ऐसे जेन्युइन ट्रेन को आप देखिएगा भाई, और इस वाले ट्रेन में देखिएगा कितना ज़्यादा डिफरेंस है। देख सकते हो भाई पूरा ऊपर से इसका जो आइसोलेटेड पैड होता है ना, वो भी पूरा कवर गया भाई, उखड़ गया है, मतलब देख सकते हो बुरी तरह से बुरा हाल हो चुका है ट्रेन का। तो अभी निकलते हैं यहाँ से भाई, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। देख सकते हो यार कितनी दूर, मतलब वहाँ से लेके भाई ये पूरी ट्रेन जल चुकी है। तो फिलहाल अभी आगे भी चलते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं कि कितनी, मतलब पूरी एक ट्रेन को भाई आग के हवाले कर दी गई थी, और पूरी ट्रेन भाई जल रखी है। तो यार अभी यहाँ से निकलते हैं और आपको पूरा ट्रेन का व्यू देते हैं भाई, देख सकते हो कंटिन्यू एसी का कोच है, मतलब लगभग इसमें 5-6 कोच एसी का है भाई।
और पूरी ट्रेन को आग के हवाले कर दी गई, ये देख सकते हो यार, पूरी ट्रेन है जो जल रखी है। तो कुछ इस भयानक तरीके से इस ट्रेन को जलाया गया था, मतलब यार इसका पेंट तक नहीं बचा है, इस तरह से इसको जलाया गया था। और पूरा कोच यहाँ तक, आप ये जो कोच देख रहे हो ना, ये कोच पूरा एसी का कोच है, यहाँ तक एसी कोच है, और ये दो कोच आपका जनरल का डब्बा है, और पीछे गार्ड का जो बोगी होता है भाई, मतलब इतनी दूर तक पूरी ट्रेन को आग के हवाले कर दी गई थी।